कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन से और वक्त है 10 जून 1940 का, जब दुनिया भर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। चारों तरफ अफसोस का माहौल है। इस दौरान कुछ सरकारी अधिकारी आते हैं और घोषणा करते हैं कि आज शाम को 5 बजे सबको अपने रेडियो सुनना होगा, क्योंकि सरकार इस शाम को 5 बजे पर फ्रांस और यूके के खिलाफ जंग की घोषणा करेगी। इसी शहर में एक बच्चा होता है जिसका नाम रेनाटो है। वो अपने दोस्त को अपनी साइकिल दिखाता है और तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि सब लोग बैठ जाएं, यहाँ से मलिना गुजरने वाली है और वो सब उसको देखना चाहते थे, इसीलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि मलिना आने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है सामने एक खूबसूरत लड़की इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इस लड़की का नाम मलिना है, जो इस शहर की सबसे खूबसूरत औरत है। शहर के सब मर्द उसे चाहते थे, जबकि शहर की औरतें उससे जेलसी और उस जैसा बनना चाहती हैं। अब जैसे ही रेनाटो मलिना को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और अपनी नजरें उससे नहीं हटा पाता। रेनाटो को मलिना से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, लेकिन मलिना की शादी हो चुकी है और उसके पति जंग में है, जबकि मलिना के पिता एक टीचर है और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी वो टेफ थे और ये सब बच्चे उन्हीं के क्लास में पढ़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मलिना के फादर के सामने मलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं। रेनाटो अब हमेशा मलिना के बारे में सोचता रहता है और एक दिन वो स्कूल जाने के बजाय मलिना के घर के सामने पहुंच जाता है। मलिना घर से बाहर निकलती है, जो उसे बहुत ही आकर्षक लग रही होती है, और तभी मलिना रेनाटो को बुलाती है और कहती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ सामान ला सकते हो, और पैसों को उसके हाथ में ना देकर नीचे फेंक देती है। जब रेनाटो पैसों को उठा रहा होता है तो उसकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि ये एक सपना होता है। रेनाटो मलिना की तरह बड़ा लगना चाहता है, यानी कि वो उसे अपने लायक बनाना चाहता है। इसीलिए अपने पिता की पैंट को लेकर वो टेलर के पास जाता है और कहता है, इस पैंट को मेरे साइज का कर दो, क्योंकि अब मैं छोटे नहीं बल्कि बड़े लोगों की तरह फुल पैंट पहनना चाहता हूँ। वो चाहता है कि मलिना के सामने वो आकर्षक दिखे, ताकि मलिना को इम्प्रेस कर सके, मलिना की नजर में बड़ा दिख सके। और जब रेनाटो घर जाता है तो उसके पिता उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उसने उन्हीं की पैंट कटवाकर अपनी पैंट बनवा ली है। और रेनाटो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मलिना से प्यार करने लगा है। इसीलिए रात को जब सब सो जाते हैं तो वो मलिना के घर के बाहर जाता है, उसकी दीवार पर एक छेद करके उस पर स्पाई करने लगता है, यानी उसे देखने लगता है। तो वो उदास लेटी होती है, क्योंकि मलिना का हस्बैंड वॉर में गए हैं और अब तक वापस नहीं आए। वो अब अंदर अपने पति की फोटो को पकड़कर एक म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। मलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उस पे नजर रखा हुआ है। अगले दिन रेनाटो म्यूजिक शॉप में जाता है और उसी म्यूजिक की कैसेट को खरीदता है जिस म्यूजिक पर मलिना डांस कर रही थी। रात को वो उस म्यूजिक को बड़े ध्यान से सुनता है और मलिना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह वो मलिना का पीछा करता है। वो देखता है कि शहर में बहुत सारे लोग मलिना को ही देख रहे होते हैं, उसके पीछे चल रहे होते हैं, क्योंकि सब मलिना को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही शहर की जो लेडीज यानी कि फीमेल्स होती हैं, वो मलिना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। साथ ही उसके बारे में अफवाह फैलाती है कि उसका किसी गैर मर्द से अफेयर है, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। ये बात सुनकर रेनाटो को भी बहुत दुख होता है और वो लगातार दिन रात बड़े लड़कों की तरह मलिना का पीछा करना शुरू कर देता है। मलिना एक घर में जाती है और ये घर उसके पिता का होता है। दरअसल मलिना हर रोज अपने पिता की देखभाल करने के लिए यहाँ पर आती है और रेनाटो को अब यकीन हो चुका है कि मलिना का किसी से कोई अफेयर नहीं है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। और फिर अचानक एक दिन टाउन में सरकारी ऑफिसर्स आते हैं, जो सबको बताते हैं कि जंग में हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए, जिसमें मलिना के हस्बैंड का नाम भी शामिल होता है, जिसको सुनकर मलिना बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने पति से वाकई में बहुत मोहब्बत थी। दूसरी ओर मलिना के हस्बैंड का नाम सुनकर टाउन के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो मलिना पर चांस मार सकते हैं। रेनाटो को उन सब की सोच पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। और अब जब मलिना का पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतजार टूट चुका था, और वो ये सोचती है कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी। इसलिए वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। रेनाटो मलिना के फादर के घर जाता है। मलिना इस वक्त अपने फादर के घर पर ही होती है। वो कमरे में रो रही होती है। रेनाटो उसके पास जाता है
और उसे कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद वो चर्च जाता है और वो गॉड से कहता है कि आप मलिना को इस शहर के लोगों से बचाना और इसके बदले में यहाँ पर रोज कैंडल जलाऊंगा। दरअसल उसे मलिना की बहुत ज्यादा चिंता है। इसके बाद एक बार फिर से वो मलिना के घर जाता है, जहाँ पर मलिना दुखी और परेशान होकर अपने कपड़े सुखाकर घर के अंदर चली जाती है। रिनातो उसकी जाने के बाद उसके कपड़े वहां से चुरा कर भाग जाता है। दरअसल वो उसे बहुत याद करता है, इसीलिए उसकी याद में उसके कपड़े अपने घर ले जाता है। लेकिन सुबह जब उसके पिता उसके कमरे में जाते हैं और वहां पर लड़की के कपड़े देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और रिनाटो को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। अगले 3 दिनों तक उसे खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जाता, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। डॉक्टर रिनाटो का चेकअप करता है और बताता है कि इसे सिर्फ बाहर खुली हवा में जाने की जरूरत है, जिसके बाद रिनाटो को घर के बाहर जाने दिया जाता है। और कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब रिनाटो स्कूल में होता है तो वहां पर मलिना के फादर के पास एक लेटर आता है, जिस लेटर में लिखा था कि मलिना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर है और तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, वो एक कैरेक्टरलेस औरत है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए उसे वहां से जाने का कहते हैं। मलिना एक बार फिर से काफी अकेली रह जाती है। उसी रात को रिनाटो एक बार फिर से मलिना के घर जाता है और वो चुपके से देखता है जहां पर मलिना के साथ शहर के लेफ्टिनेंट होते हैं। दरअसल मलिना और उनका अब अफेयर हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। रिनाटो को ये सब देखने के बाद बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो इसे अच्छा औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि ये अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेफ्टिनेंट जब मलिना के घर से बाहर निकलता है तो वहां पर शहर का डॉक्टर आ जाता है और वो उसे कहता है कि मलिना तो मेरी फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत लड़ते हैं और तभी डॉक्टर की पत्नी पुलिस लेकर वहां पर आ जाती है। अगले दिन पूरे शहर में सब के सब मलिना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसका शादीशुदा लोगों के साथ संबंध है। अब इसके बाद टाउन में ये बात पूरी तरह फैलने लगी थी कि मलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। अब मलिना के शहर में बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। मलिना के ऊपर केस हो जाता है और वो अपने केस को लड़ने के लिए एक लॉयर के पास जाती है। वो लॉयर मलिना के केस को जीत जाता है। उसी रात को जिस वकील ने मलिना का केस लड़ा और जीता था वो मलिना के घर पहुंचता है। वकील मलिना से कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। असल में वकील मलिना की मजबूरी का फायदा उठाने का सोच रहा है। वो मलिना को कमरे के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और बाहर से रिनाटो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो मलिना की मदद नहीं कर पाता। वकील हर दिन मलिना के घर आने लगता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ को इसका पता चल जाता है। इसके बाद वकील की माँ उसे बहुत मारती है। इस हादसे के बाद वकील कभी भी मलिना के घर नहीं आता, जिससे रिनाटो बहुत खुश होता है। रिनाटो ने भगवान से प्रार्थना की कि मलिना को उस वकील से बचाया जाए और अब वो उस दुखद घटना के बाद आजाद है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके शहर में कई बम गिरते हैं क्योंकि हिटलर की जर्मन सेना ने उनके शहर पर हमला कर दिया है। इस हमले में मलिना के पिता की मौत हो जाती है। मलिना अब इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। उसके पति मर चुके हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। साथ ही अब उसके पास पैसे नहीं है और शहर में भी उसे कोई किसी तरह का काम नहीं देता। अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और अब मलिना के पास पैसे खत्म होने लगे थे। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसी रात वो सीजर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और बालों को रंग देती है और कहती है कि जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहती है तो मैं क्यों ना बुरी औरत ही बन जाऊं। जिसका मतलब है कि वह अब अपने शरीर को बेचकर पैसे कमाएगी क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगले दिन मलिना अपने नए रूप में एक कैफे के बाहर बैठ जाती है। आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब मलिना को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि मलिना अब क्या काम कर रही है और वो सब यही चाहते थे, क्योंकि अब वो पैसों से मलिना का फायदा उठा सकते हैं। मलिना के इस नए रूप से इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही इंसान होता है जो दुखी है, और वो होता है रिनाटो। कुछ दिन और बीतते हैं और जर्मन सेना ने पूरी तरह से शहर पर कब्जा कर लिया है। एक दिन मलिना अपनी दोस्त के साथ जर्मन ऑफिसर्स के साथ इस शहर से चली जाती है, जिसे देखकर रिनाटो को बहुत दुख होता है
और वो वहीं बेहोश हो जाता है। रिनाटो की माँ को लगता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसलिए वो उसे एक चर्च में पुजारी के पास ले जाती है जो उस पर एक्सोर्सिज्म करते हैं। इसके बाद रिनाटो के पिता को समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ एक खूबसूरत लड़की होती है जिसे रिनाटो मलिना के रूप में देखता है। इसके बाद रिनाटो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब अमेरिकी सेना आ जाती है तो जर्मन सेना शहर से चली जाती है और युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद शहर की सभी महिलाएं मलिना से नफरत करने लगती हैं। वो एक होटल के अंदर जाती हैं और मलिना को बाहर लाती हैं। उसके बाल काट के उसके चेहरे को काला करती हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीटती हैं। रिनाटो ये सब देख रहा होता है लेकिन वह मलिना की मदद नहीं कर पाता। इसके बाद मलिना को शहर को छोड़कर जाना पड़ता है और रिनाटो उसे देखता रहता है। उसे जाते हुए देखकर उसे बहुत दुख होता है लेकिन वह उसे रोक नहीं सकता। कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि मलिना के पति जो वॉर में मारे जाने का ऐलान हुआ था वो अब भी जिंदा है लेकिन उन्होंने युद्ध में अपना एक हाथ खो दिया है। वे अब भी अपनी पत्नी मलिना को ढूंढने के लिए वापस आए हैं लेकिन उन्हें मलिना कहीं नहीं मिलती और शहर के लोग उन्हें मलिना के बारे में गलत जानकारी देते हैं। मलिना के पति को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उनकी पत्नी ने गलत रास्तों पर चलकर पैसे कमाए हैं। रिनाटो अभी ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और रिनाटो के पति को सच्चाई नहीं बताई जाती कि शहर के लोगों ने मलिना के साथ किस तरह से व्यवहार किया कि इन हालातों में उसे गलत रास्तों को चुनना पड़ा। लेकिन रिनाटो ये सब कुछ उसे बताना चाहता है। इसीलिए एक रात जब मलिना के पति सो रहे होते हैं तो रिनाटो एक लेटर में सब कुछ लिखकर उनके पास छोड़कर जाता है। जब मलिना के पति वो लेटर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मलिना उनसे बहुत प्यार करती है, वो हमेशा उनके लिए ईमानदार रही है लेकिन उनकी मृत्यु की खबर के बाद शहर के लोगों ने उस पर अत्याचार किया और मजबूरी में उसने गलत रास्ते पर चलना पड़ा और अब वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर मेसिना चली गई है। ये सारी सच्चाई जानने की बात मलिना का हस्बैंड भी मेसिना शहर के लिए निकल पड़ता है और ठीक एक साल बाद दिखाया जाता है कि मलिना का हस्बैंड मलिना को लेकर वापस इसी शहर में आ चुका है। मलिना को उसके हस्बैंड के साथ देखकर पूरा का पूरा शहर हैरान होता है। रिनाटो भी इस भीड़ में होता है जो मलिना को देख रहा होता है। उसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है लेकिन अब रिनाटो भी एक अपनी उम्र की लड़की के साथ है जिसे वो डेट कर रहा है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मलिना शहर में शॉपिंग करने के लिए आती है। अब सबके सब उसे इज्जत भरी नजरों से देख रहे होते हैं क्योंकि वो अपने पति के साथ है। इसीलिए शहर की वो सभी औरतें जिन्होंने कभी मलिना को मारा था, जिन्हें लगता था कि मलिना उनके हस्बैंड्स के लिए खतरा है, वो उसे बड़ी इज्जत से देख रही होती हैं, उसे गुड मॉर्निंग विश कर रही होती है। हालांकि मलिना ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है लेकिन आज भी वो पहले की तरह बहुत खूबसूरत होती है। मलिना शॉपिंग करके जब घर की तरफ जा रही होती है तभी उसका बैग गिर जाता है। रिनाटो जो दूर से उसे देख रहा होता है जल्दी से उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है। वो पहली बार मलिना के इतने करीब आया है, पहली बार उसने मलिना से बात की है। मलिना उसे थैंक्स कहकर जाने लगती है और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो रिनाटो उसे गुड लक कहता है। मलिना पीछे देखती है और उसे हल्की सी मुस्कुराहट देकर वहां से चली जाती है। कई साल बीत जाते हैं और अब रिनाटो बड़ा हो चुका है। रिनाटो की आवाज में हमें रिनाटो बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी फीमेल्स को डेट किया, मैं कई औरतों के साथ समय भी बिताया लेकिन मैं आज भी एक ही चेहरे को याद करता हूँ और वो चेहरा है मलिना का। दरअसल रिनाटो कभी मलिना को भूल ही नहीं पाया, उसके दिल में हमेशा मलिना का चेहरा है। मलिना की ये कहानी हमें हमारे समाज का एक गंदा और घिनौना चेहरा दिखाती है कि किस तरह से हमारा समाज एक अकेली औरत को अपना शिकार बनाती है और उसे लिंगी दृष्टिकोण से देखने के लिए किस हद तक जा सकती है। अगर हमें अपने समाज को, अपनी दुनिया को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमें इस तरह की औरतों की और लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें असामाजिक और अनैतिक व्यवहार को खुद से नकारना चाहिए और इसकी शुरुआत हर एक इंसान को अपने आप से करनी होगी। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म मलिना की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।